25 वाक्य रचना। निम्नलिखित शब्द समूहों को ध्यान से पढ़िए। पहला, हे पढ़ राम रहा। दूसरा, गाना कविता रही हैगा। तीसरा, उड़ा रहा पतंग है महेश। चौथा, रहा चित्र बना सुरेश है। क्या ऊपर लिखे शब्द समूह कोई निश्चित अर्थ दे रहे हैं? नहीं, इनसे लेखक या वक्ता का कोई अभिप्राय स्पष्ट नहीं हो रहा है। अब इन्हें पढ़िए। राम पढ़ रहा है, कविता गाना गा रही है, महेश पतंग उड़ा रहा है, सुरेश चित्र बना रहा है। ऊपर दिए गए शब्द समूह हमारे सामने एक निश्चित अर्थ को प्रकट कर रहे हैं, अतः ये सार्थक वाक्य बन गए। शब्दों के उस सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं जिसका पूरा अर्थ समझ में आ जाए। किसी भी वाक्य में दो गुण अवश्य होने चाहिए। क, उसमें सार्थक शब्दों का प्रयोग किया गया हो। ख, शब्दों का प्रयोग व्याकरणों के नियमों के अनुसार क्रमबद्ध तरीके से किया गया हो। वाक्य के अंग, मैं खाना खा रहा हूँ, गीता पत्र लिख रही है, मोहन कहानी पढ़ रहा है, अध्यापक पाठ पढ़ा रहे हैं। उपयुक्त वाक्यों में मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला, जिसके बारे में कुछ कहा गया है, जैसे मैं, गीता, मोहन और अध्यापक। दूसरा, जो कुछ भी उनके बारे में कहा गया है, जैसे खाना खा रहा हूँ, पत्र लिख रही है, कहानी पढ़ रहा है तथा पाठ पढ़ा रहे हैं। इसी आधार पर वाक्य के दो अंग होते हैं, पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय। पहला उद्देश्य, वाक्य में जिस खंड के विषय में कहा जाए या जो खंड क्रिया को करने वाला है उसे उद्देश्य कहते हैं। दूसरा विधेय, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उद्देश्य खंड में कर्ता तथा उसकी विशेषताएं बताने वाले अंश होते हैं और विधेय खंड में क्रिया तथा कर्म व अन्य अंश होते हैं। वाक्यों को उद्देश्य और विधेय खंडों में निम्नलिखित प्रकार से बांटा जा सकता है। उद्देश्य राम, विधेय पढ़ रहा है, महेश पतंग उड़ा रहा है, मैं खाना खा रहा हूँ, कविता गाना गा रही है, सुरेश चित्र बना रहा है, गीता पत्र लिख रही है। उद्देश्य और विधेय के विषय में विस्तार से हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। वाक्य के प्रकार, रचना के आधार पर वाक्य मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्र वाक्य। पहला सरल या साधारण वाक्य, वृंदा बाजार जा रही है, माधवी सो रही है, बारिश आ रही है, बंदर नाच रहा है। उपयुक्त वाक्यों में वृंदा, माधवी, बारिश तथा बंदर केवल एक ही उद्देश्य तथा जा रही है, सो रही है, आ रही है तथा नाच रही है एक ही मुख्य क्रिया है, इसलिए ये वाक्य सरल या साधारण वाक्य हैं। जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक ही मुख्य क्रिया हो उन्हें सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। दूसरा संयुक्त वाक्य, बाजार जाओ और फल खरीद लाओ, तुम मत जाओ किंतु मैं तो अवश्य जाऊंगा, वह मेहनती है परंतु उसे फल नहीं मिलता, अध्यापक पढ़ा रहे हैं और विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। उपयुक्त वाक्यों में एक से अधिक साधारण वाक्य और किंतु तथा परंतु समुच्चय बोधक द्वारा जुड़े हुए हैं, ऐसे वाक्यों को संयुक्त वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक साधारण वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा आपस में जुड़े हो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। तीसरा मिश्र वाक्य, उसने कहा कि वह कल आएगा, लक्ष्मण ने देखा कि सीता कुटिया में नहीं है, वर्षा हो रही थी इसलिए वह नहीं आया, वह लड़का जो सामने बैठा था घर चला गया। उपयुक्त वाक्यों में उसने कहा, लक्ष्मण ने देखा, वह नहीं आया, वह लड़का घर चला गया इत्यादि प्रधान वाक्य हैं, क्योंकि उसके साथ के वाक्य वह कल आएगा, सीता कुटिया में नहीं है, वर्षा हो रही थी तथा जो सामने बैठा था अपने अर्थ के लिए उन पर आश्रित है। ऐसे वाक्यों को मिश्रित या मिश्र वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में एक प्रधान
उपवाक्य तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं उसे मिश्र वाक्य कहते हैं।